आज पूरे देश ने देश के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति बने सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत ग्राम पटोरा कला के इंग्लिश मीडियम UPS विद्यालय में भी शिक्षक दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान शिक्षकों के साथ स्कूली बच्चों ने सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पुष्पांजलि अर्पित की। बाद में अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन पर प्रकाश डाला गया। बच्चों को बताया गया कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। इस दौरान बताया गया कि शिक्षक का राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को अपने शिक्षक का आदर सम्मान करना चाहिए। आइए देखते हैं नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की इस रिपोर्ट में कि क्या कहा पटोरा कला इंग्लिश मीडियम UPS विद्यालय के शिक्षक ने। आज हम लोग हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। वो बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद अपने हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने और वो पहले शिक्षक थे, तो उन्होंने शिक्षकों के बारे में बहुत विस्तृत किया, अध्ययन किया और वो लर्निंग पर्सनालिटी थे और हमें शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए। हमारी सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, अब हमारी नई राष्ट्रीय नीति 2020 लागू हो गई है हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, तो अब NCERT की बुक्स आ गई है सब लोग। हमारा स्कूल, हमारा विद्यालय पूरे ललितपुर में एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो इंग्लिश मीडियम का UPS है और हमारे यहाँ के बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं और हमारा एटमोसफियर इंग्लिश का है पूरा। हमारा स्टाफ बहुत योग्य है और शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के बारे में जो कहा गया है कि अगर माता पिता अगर अपने बच्चे को शिक्षा नहीं देते हैं तो माता पिता शत्रु हैं। माता पिता शत्रु इन बालक न पाठता, अगर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो बहुत बड़े शत्रु हैं, क्योंकि आजकल मशीनी युग है और टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। शिक्षा के द्वारा ही हम सब काम कर सकते हैं। यदि हमारे पास शिक्षा नहीं होगी तो हम वो लेबर का काम करेंगे, तो इतनी महंगाई के समय में लेबर के काम में कितनी मेहनत पड़ती है, और अगर हम शिक्षित नहीं रहेंगे तो हमें अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहेगी। अच्छे बुरे की पहचान नहीं होगी तो हमारा युवा गलत रास्ते पर चला जाएगा, जैसा कि अक्सर देखा गया है पंजाब राज्य में क्यों नशाखोरी ज्यादा हो रही है, क्योंकि वहाँ अधिकतर अशिक्षित लोग हैं। जो लोग अशिक्षित होते हैं वो गलत रास्ते पर जाते हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, हमें उनकी जयंती पर जो प्रेरणा लेते हैं कि हमें अपने बच्चों को नशा विरोधी, तंबाकू विरोधी चीजों से दूर रखना है, तो यही हमारी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हमें कोई भी काम टालना नहीं है, जो काम करना है तुरंत करना है, जे नहीं कि हम कल कर लें, क्योंकि आलस हमारे शरीर का सबसे नजदीकी शत्रु है, तो आलस समय नहीं करना है। हमें सवेरे उठना है जल्दी और जल्दी सोना है और अपना खान पान में विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट और करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है।